में यहाँ हम बात कर रहे हैं इतने समय से गोविंदा को बहुत अच्छे सफल वाली फिल्मों की स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्योंकि एक समय उनका दौर था और उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। आज के दौर में गोविंदा के ना गाने हिट होते हैं ना ही फिल्में। कूली नंबर वन से लेकर राजा बाबू, नसीब से लेकर अखियों से गोली मारी, हीरो नंबर वन से लेकर पार्टनर, दूल्हे राजा जैसी फिल्में कर चुके गोविंदा, जिन्हें चीची कहा जाता है, हीरो नंबर वन कहा जाता है, जिन्होंने कांग्रेस का सदस्य बनने का फैसला साल 2004 में लिया। साल 2008 तक वो इस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन उन्हें आखिर में राजनीति से दूरी बनानी ही पड़ी। चलिए हम आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में आज गोविंदा के बारे में कुछ और बातें बता दें। इन दिनों गोविंदा किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, क्या आप सबको मालूम है कि गोविंदा बिन फिल्मों के कैसे अपना खर्च चला रहे हैं? बहुत कम ही लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम आप सबको इस बारे में कुछ बातें बताएंगे, किस तरह से गोविंदा के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में गोविंदा ने बताया, गोविंदा के बारे में पता चला था। जी हाँ, कई लोगों को ये बात मालूम नहीं है गोविंदा के बारे में। गोविंदा बॉलीवुड के वो अभिनेता रहे जिन्होंने करिश्मा, रवीना टंडन से लेकर रानी मुखर्जी के साथ सुपरहिट फिल्में की, लेकिन गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ नशा के लिए अपनी माँ से परमिशन ली थी। क्या आपको ये मालूम है? जी हाँ, ये राज खुला गोविंदा से जुड़ा। अपनी पत्नी के साथ नशा करने के लिए उन्होंने अपनी माँ से परमिशन ली थी, ये बहुत कम ही लोगों को मालूम है। मॉडर्न लड़की थी उस समय भी सुनीता उनकी ज़िंदगी में आई, और पूजा पाठ वाले लड़के गोविंदा थे। फिर क्या सोचिए, शादी के बाद क्या हुआ होगा। डिनर डेट के दौरान नशा करना था सुनीता के साथ, उन्हें मम्मी से उन्होंने परमिशन ली, ये बात उन्होंने कहा लंबे समय बाद। वो सुनीता डिनर डेट पर होटल गए थे और होटल में उन्होंने नशा किया था, और स्टीवर्ड की नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था गोविंदा को उस वक्त। दोनों ने खाना खाया और इसके बाद डांस किया और शैंपेन का घूंट लगाया था। नशा से पहले गोविंदा अपनी मम्मी को कॉल कर पूछे कि मम्मी नशा करूं या नहीं, तो माँ ने कहा यह आदत बहुत बुरी है, एंजॉय करना है करो, लेकिन आदत मत लगाओ। सुनीता ने उनसे पूछ लिया अपनी मम्मी से, फिर जमकर डांस की। गोविंदा ने कहा हैंगओवर उन्हें एक हफ्ते के बाद उतरा था, ये बात उन्होंने सालों बाद बताई थी। शादी को उनके 36 साल हो गए हैं। अपनी ज़िंदगी में गोविंदा ने अपनी पत्नी से 3-3 बार शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, टीना और यशवंत। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट।